कल से शुरू हो जाएगी, लाइव भी चलेगी अवनीश यादव यूट्यूब चैनल के माध्यम से। लाइव अगर देखना चाहे तो देख लें। मैं तो सभी का बार बार आभार व्यक्त करना चाहूंगी। आप लोग बड़े महान हैं और आपके साथ में हम भी बड़ी महान हूँ। आप लोगों इसलिए महान है कि आप लोगों ने कथा करवाई, और मैं इसलिए महान हूँ कि मैं आपके यहाँ एक वक्ता के रूप में आई हूँ। मैं जानती कुछ नहीं हूँ, उम्र में बहुत छोटी हूँ आप लोगों से। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं कोई बुद्धवान नहीं हूँ, मैं कोई ज्यादा बड़ी गायक नहीं, कोई वक्ता नहीं हूँ। सिर्फ आपके हाथ की खुलाई हुई आपकी बहन और बेटी हूँ। जो भी मेरी समझ में आया, जो भी हम जानते थे, आप लोगों के समक्ष मैंने बोला। अगर किसी माता बहन भाई बहन को हमारी शब्दों का किसी को भी ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगना चाहूंगी कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि बड़े बड़े वक्ताओं से भूल हो जाती, बड़े बड़े विद्वानों से भूल हो जाती। मैं कोई वक्ता नहीं, कोई विद्वान नहीं हूँ। कहना चाहूंगी आज मैं यहाँ से जाऊंगी, मगर मैं कभी आऊं या ना आऊं, धर्म के क्षेत्र में कभी भी पीछे मत रहना। धर्म के लिए हमेशा आगे हाथ बढ़ाते रहना, जैसे आपने यहाँ हाथ बढ़ाए हैं, ऐसे ही हमेशा हमेशा धर्म के लिए हाथ बढ़ाते रहना। मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूंगी विनोद प्रधान जी को, जो हमारे इस आयोजन के मुख्य यजमान है, और उन्हें मनोज भैया जी को बार बार धन्यवाद देना चाहूंगी, उनके पिताजी को बार बार धन्यवाद देना चाहूंगी, जो आपने ऐसे पुत्रों को ऐसी शिक्षा दी है। बार बार इस क्षेत्र की सभी जनता को धन्यवाद देना चाहूंगी, जो आप लोग रात्रि के समय आकर के और बड़े शांत पूर्वक कथा को श्रवण किया है। मगर क्या करूं मैं कि खुशी का है मौका, मगर क्या करूं राम नाम रटते रहना, और समझा नहीं हूं हम Thank you.
जो ढोलक प्रसन्नति कर रहे हैं ये फिरोजाबाद से हैं, चिमटा प्रसन्नति कर रहा है छोटू ये सरसागंज से है, दयालु महाराज जो घड़े प्रसन्नति कर रहे हैं ये फिरोजाबाद से हैं, और मैं मैनपुरी से हूँ जो अजीजुल बेटा कैमरा चला रहा है ये फरुखाबाद से है, और हमारे भैया राकेश भैया ने जो आकर के साउंड बजाया है ये भी फिरोजाबाद से है, और ये साउंड जो यहाँ पर लगा है बहुत ही अच्छा साउंड है, खूब अच्छा साथ निभाया है। मैं तो भगवान से यही कामना करना चाहूंगी क्षेत्र में इस साउंड की धूम मची रहे, और सभी से यही कहना चाहूंगी कि आपने जैसा हमें सम्मान दिया है, आपके यहाँ कोई भी आए हमारे जैसा सम्मान हर किसी का करना, क्योंकि सम्मान एक सिर्फ ऐसी चीज होती है जो देने से मिलती है। रुपया पैसा हम बहुत कमा सकते हैं लेकिन सम्मान समाज में कमा नहीं सकते हैं, सम्मान सिर्फ देने से मिलता है। We'll be right back.
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और विनोद भैया को, मनोज भैया को बार बार धन्यवाद देना चाहूंगी। आप दोनों भाइयों ने मिलकर के इतना सुंदर प्रोग्राम करवाया है, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम हर कोई नहीं करवा सकता है जिसके अंदर भगवान के प्रति भाव होता है, वही ऐसे सुंदर प्रोग्रामों को करवा सकते हैं। एक बार मनोज भैया, विनोद भैया के लिए सभी भक्त जोर से ताली बजा दीजिए। और आज हमारे यहाँ से विदाई है। आप लोगों ने बड़ा सम्मान दिया है, ऐसे सम्मान को मैं हर जगह जाकर के कहूंगी। सभी से निवेदन है अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं और हाथ जोड़ करके आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे, आरती लेंगे, तब अपने घर के लिए जाएंगे। आज बिना प्रसाद के कोई ना जाए।